नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा एक भाई ने कमेंट किया था, वीडियो के नीचे कमेंट किया था दोस्तों, कि उनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या वो दुबई में चल सकता है या चलता है दुबई में, या क्या इसका प्रोसीजर है, बताने के लिए उन्होंने कमेंट किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस में पूरा डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि आपके पास अगर इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है दुबई के अंदर, या क्या आपको चेंज करा सकते हैं, या उसके लिए क्लास ले सकते हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट मिलता है, पूरा डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं और आपको किसी भी दूसरा कंट्री में अगर आप जाते हैं, तो उस कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए वहाँ के जो तालीम है, वहाँ का जो प्रोसेस है दोस्तों, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो दुबई का भी एक प्रोसेस है दोस्तों, एक फॉलो करना पड़ता है। इनका भी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उनका, वो भी एक फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके पास अगर इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों, पिछले 8 सालों से मैं दुबई में ड्राइविंग कर रहा हूँ, और इसी बेस पे आप लोगों को, इसी नॉलेज पे आप लोगों को मैं पूरा इसके ड्राइविंग से रिलेटेड आपको बातें भी बताता हूँ दोस्तों, कि आपको कुछ होने से पहले, कुछ करने से पहले आपको कुछ जानकारी ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस लेना चाहते हैं और आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का, श्रीलंका, कहीं का, पाकिस्तान का हो, यहाँ पे वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चेक करते। जी हाँ दोस्तों, सही बात बताया, तो यहाँ पे उन लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो शुरुआत से लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप वही लोग, जो उनका जो प्रोसेस होता है उनको फॉलो करना पड़ता है, और उनका जो प्रोसेस में ही हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा दोस्तों। फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ का पूरा नॉलेज मिल जाती है। अगर आप शुरू से, जीरो से अगर तालीम करते हैं, जीरो से आप ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों, यहीं के बारे में, यहाँ के रोड के बारे में, यहाँ के मतलब वातावरण के बारे में, यहाँ के जितने भी सिस्टम है, लेफ्ट राइट भी होता है दोस्तों, उसमें भी आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं दोस्तों। हमारे मुल्क में क्या होता है कि राइट साइड में होता है, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट साइड में होता है, तो इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम जीरो से शुरुआत करें तालीम लेने के लिए, अगर जीरो से हम लोग शुरुआत करते हैं, यहीं के बारे में मालूमत हो जाता है, तो हमको ड्राइविंग में अगर पास होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में आती है, तो भी हम ड्राइविंग अच्छे से कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं दोस्तों। दुबई का जो रोड वगैरह आपने देखा होगा, तो यहाँ पे बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है, थोड़ा सा भी अगर गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है दोस्तों। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले, तो ज़रूर आप सीख के, ज़रूर आपको ज़ीरो से सीख के ही आप ले लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी जा करके, कोई रोड में जा करके आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। तो गाइज, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको फ़ायदा एक और मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जो ड्राइविंग करने का जो सिस्टम है दोस्तों, वो इंडिया का हो चाहे दुबई का हो, ये एक ही सिस्टम है। फ़र्क इतना है कि स्टेयरिंग आपको राइट साइड में है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो गाइज, अगर आप ड्राइविंग करने का जो सिस्टम है, जो इसको एक्सपीरियंस है आपके पास में, वो यहाँ पे आपको काम आ सकता है। बहुत कम मतलब कम समय में आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उसमें एक एक साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस होते हैं, नए लोग होते हैं, और नए लोग भी चालू करने के बाद में ध्यान नहीं देते, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है इंडिया का और यहाँ पे आप लेना चाहते हैं, तो इससे बेनिफिट यही होता है कि आपके पास गाड़ी चलाने का तो सिस्टम एक ही है, उसका तो आपका एक्सपीरियंस यही है, और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जल्दी भी मिलने का चांस रहता है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भले ही आपको लेफ्ट साइड और जीरो से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस आपके पास है दोस्तों, जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के टाइम में आपने जो गाड़ी चलाया है, तो यहाँ पर वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको उस यूज़ करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस को अगर आप यूज़ करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का मिल सकता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना है। कोई भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं कंपनी से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, तो चलता पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।